गाइस, इस ऑफिशियल गौरव फिटनेस द सर्टिफाइड फिटनेस कोच। होप आप सब अपनी फैमिली के साथ होंगे, अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे अपना लॉकडाउन और कुछ इंटरेस्टिंग अच्छा सा कर रहे होंगे। सो बेसिकली आप देख रहे हैं ऑफिशियल गौरव फिटनेस और इस पे आज आपको अगेन कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलेगा और आपको पता है आपको क्या मिलेगा। दैट्स वाई आप आए हो, आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपने रीनेम पढ़ लिया होगा। जी हाँ, आज मैं आपको 7 या 8 ऐसे मेन रीजन बताऊंगा जिनकी वजह से आपका रातों रात वेट गेन हो जाता है। कुछ 7 से 8 गलतियां जो भी आप करते हो जिनकी वजह से आपका वेट रातों रात बढ़ जाता है और आप नेक्स्ट डे जब जाते हो वेटिंग स्केल पे अपना वेट देखते हो तो आपका वेट आपको बढ़ा हुआ मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज क्लैरिफाई आपको कर देता हूं कि आप अगर अपना वेट सुबह बढ़ा हुआ देखते हैं और रात तक और कल तक फॉर एग्जांपल आपका वेट सही होता है, बट आप जब सुबह उसको देखते हैं और आपका अगर वेट बढ़ता है लाइक कुछ ग्राम्स, लाइक 500-600 ग्राम भी बढ़ता है, अगर 1 किलो भी बढ़ता है, सो डोंट वरी, वो आपका कुछ भी हो सकता है। आपका वाटर वेट भी हो सकता है, ठीक है, आपका फूड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, देन इग्नोर दैट। आपका वो शूज कपड़े का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जस्ट इग्नोर। अगर आपका 1 से 1.5 किलो बढ़ता है जस्ट इग्नोर, या 1 से 1.5 किलो घटता है जस्ट इग्नोर, ठीक है। डिप्रेशन जैसा फील मत करो। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि मेरे कई कुछ क्लाइंट हैं और उनके जैसे और भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेस जैसा फील करने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वेटिंग मशीन। बट आज मैं यहाँ पर रियलिटी बताऊंगा, ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनकी वजह से जो कुछ गलतियां आप 7 से 8 ऐसी मेन गलतियां करते हो जिनकी वजह से आपका वेट रातों रात बढ़ जाता है, वो सारी चीजें आज मैं गलतियां आपको यहां पे बताऊंगा। सो पहली ऐसी गलती जो कि आपको पता भी नहीं है कि आप कर रहे हो, आपको लगता है आपकी बहुत सही चीज है वो, बट आपकी वो असलियत में गलती है, वो पहले पॉइंट है ओवर ट्रेनिंग, ठीक है। जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हो तो आपकी मसल ओवर सोर हो जाती है, ओवर सोर मीन्स ओवर फटीग हो जाती है, ओवर ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में, ठीक है, और वो वाटर की कमी आपके मसल रिपेयरिंग में मुश्किल दे सकती है। अगर आपके बॉडी में वाटर की कमी है, आपकी बॉडी ज्यादा ब्रेक डाउन है, आपकी बॉडी जीरो से ज्यादा मसल सोर कर रखी है, तो आपको नींद आने में दिक्कत होगी। नींद ना आने की वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम है, वन ऑफ द मेन रीजन है जो कि आप ओवर ट्रेनिंग करते हो, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड गलती जो कि लोग मानने के लिए रेडी नहीं होते कि वो पिछली रात को, आप जिस दिन आपका वेट सुबह बढ़ा हुआ है उसकी पिछली रात को आपने ड्रिंक करी है, और ये ड्रिंक कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी विस्की हो, चाहे आपका कुछ भी हो, कोई भी वैरायटी हो आपकी अल्कोहल की, जस्ट आपने वो ड्रिंक करी है और दैट मे कॉज, दैट कुड कॉज डिहाइड्रेशन और फ्लूड रिटेंशन। तो उसकी वजह से बेसिकली मैंने इसको स्टार्टिंग में क्यों बोला ऐसा कि लोग मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि वो अंधा प्यार करते हैं अपने अल्कोहल से। तो आप लोगों को पता होगा लाइक कितना भी कुछ हुआ है बीच में, वो सब मैं बीच में टॉपिक में डिस्कस नहीं करूंगा, अभी मेन मेन चीज के बारे में बात करते हैं, टॉपिक से इधर उधर नहीं जाते। सो बेसिकली आपका लास्ट नाइट ड्रिंक करना आपके वेट को, आपके गोल को, आपके फिजिक को हिट कर सकता है, तो आपकी ये सेकेंड मेन बड़ी गलती हो सकती है। थर्ड चीज, ये कोई गलती नहीं है, बेसिकली ये नेचुरल है और ये लड़कियों के लिए, अगर पीरियड्स होते हैं तो उसमें भी आपका वेट फ्लक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो एक वो भी वन ऑफ द मेन रीजन है कि आपका वेट इंक्रीज हो सकता है। चौथी गलती, और ये गलती ही है बेसिकली, आपके डिनर के बाद आपका वॉक ना करना, ये आपकी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है कि जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट डे आपको वेट इंक्रीज मिलता है, जबकि आपने सुबह से लेके रात तक, शाम के डिनर तक, रात के डिनर तक आपने सब चीज सही करी, आपने हर एक मील, आपने हर एक चीज परफेक्ट करी, बट स्टिल आप नेक्स्ट डे अगर आपका वेटिंग स्केल पे आपका वेट बढ़ता है, तो इसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी हो सकता है कि आपने डिनर के बाद आपने वॉक नहीं करी, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, जस्ट बिकॉज
आपने डिनर करा, आपके अंदर उसके मील के अंदर प्रॉपर मैक्रोज माइक्रो न्यूट्रिएंट थे, हर एक चीज थी, डजेंट मैटर कि उसके अंदर कार्ब्स थे कि नहीं थे, इट्स ऑल अबाउट आपके परफेक्ट मील थी वो, आपने सारे इंटेक्स लिए और उसके बाद आप जाके तुरंत सो गए, आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी। ये आपका वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपके कैलोरीज इनटेक गए, इंसुलिन तुरंत स्पाइक हुआ और सुबह उठ के आपको फ्लक्शन मिलेगा, एकदम सब चीज बिगड़ी हुई मिलेगी और आपका वेट आपको इंक्रीज मिलेगा। ये आपका वन ऑफ द मेन रीजन है। तो इसके लिए आप डिनर के बाद एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स आप वॉक करें, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन जो तुरंत स्पाइक होता है डिनर के बाद या हर किसी हर एक मील के बाद, वो एक स्लो स्लो वापस डाउन भी आ जाए, एक नॉर्मल लेवल में आ जाए, उसके बाद आप जाके आराम से सो सकते हो। अदरवाइज दूसरा एक रीजन, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा नहीं है कि आप काफी ज्यादा थके हुए हो या कुछ ऐसा कोई सा भी ऐसा रीजन है, तो आप अपने डिनर मतलब सोने से पहले आप 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले आप अपना डिनर लें, जिससे वो ऑलरेडी धीरे धीरे करके आ जाएगा नीचे और उसके बाद जाके आप सोएं। बट स्टिल आई प्रेफर कि आप 15 से 20 मिनट वॉक करें, एटलीस्ट आपकी कार्डियो भी होगा, आपका कैलोरीज भी बर्न होगी और एक नेचुरल और गुड वे में आपका इंसुलिन नीचे आएगा, ड्रॉप आउट होगा और इसका सुबह आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, पीक करेगा, स्पाइक करेगा, दैट्स इट। पांचवी गलती, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये तीनों चीज आपके नेक से आपका वेटिंग स्केल पे आपको जादू दिखा सकते हैं, आपका वेट इंक्रीज करवा सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, एंजाइटी और जितना भी आपका है ना आपके लाइफ में प्रॉब्लम, वो सारी आप कम करो, उसके बारे में मत सोचो, ओवर थिंक मत करो, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको आपका वेट बचाना है, आपको अपने गोल पे जाना है और वो वैसे भी अच्छी चीजें नहीं होती, तो लेट देम स्टार्ट, मतलब उसको हटाओ और आप अच्छी चीज स्टार्ट करो। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखो, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। छठी गलती, बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जाके प्लीज कर लो, ये नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा देना, और बेल आइकन भी होगा वो भी दबा देना और सपोर्ट करो, ऐसी आगे और भी वीडियोस मिलती रहेगी। तो इसको साइड करते हुए फॉर्मेलिटी को, छठी गलती आपकी ये है कि आप चीट्स पे कुछ ज्यादा ही हैवी चले जाते हो, उस पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखा देते हो और कुछ चीट्स को जो आप चीट में लेते हो उसको कुछ ज्यादा ही हैवी कर देते हो, जिससे आपकी सडनली इंसुलिन भी स्पाइक होता है, आपकी कैलोरीज भी स्पाइक होती है, डेली कैलोरीज आपको जितनी चाहिए, हर एक चीज स्पाइक होता है आपको। मैं आज उसका चीट्स का मतलब बताता हूँ। चीट्स का मतलब ये होता है बेसिकली, जब आपका चीट डे होता है आप उसमें अपनी कैलोरीज उतनी ही रखते हो, बट आपकी जो क्या कहते हैं आप जो खाते हो वो होता है चीट, आप जो खाते हो वो आपका बाहर का हो सकता है, डोनट्स हो सकते हैं, कुछ जंक्स हो सकता है, सिर्फ एक उस पर्टिकुलर डे कि आपका जो आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो उससे आप बोर ना हो, आपकी बॉडी उसे मतलब एक छोड़ ना दे उसकी रिदम को, उसके बीच में आपको एक शॉक देने के लिए आप जंक फूड खा सकते हो, बट आप ये नहीं कर सकते कि आपको चीट डे मिला तो आप पूरे दिन आप चीट खाओ और अपनी कैलोरीज क्रॉस कर दो हद से ज्यादा, ठीक है, आपको उसी कैलोरीज के अंदर रहना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने क्लाइंट की एक डाइट बनाई, अगर उसकी डेली डाइट में अगर मैं उसकी कैलोरीज आ रही है 3000, तो जब चीट डे होगा उसका तो वो उस 3000 के अंदर ही रहेगा, उसकी 3000 कैलोरीज ही रहेगी अगर उसका चीट डे है तो भी, ये मैटर नहीं करता कि चीट डे है तो वो 4000 या 5000 तक चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो उसी 3000 में कुछ भी जंक्स खा सकता है, कुछ भी ऐसा खा सकता है जस्ट अपनी बॉडी को शॉक देने के लिए कि उसकी वो रिदम ना बने, वो अपने स्ट्रिक्ट डाइट से बोर ना होए, उसकी बॉडी बोर ना हो जाए, सिर्फ इसलिए, ये होता है असली मीनिंग ऑफ चीट। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपने शायद चीट डे पे ज्यादा ही कैलोरीज कंज्यूम कर ली, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज भी स्पाइक हुई, इंसुलिन भी स्पाइक हुआ, इसकी वजह से ओवर द नाइट आपका वेट गेन हुआ। आपका इम्प्रॉपर रेस्ट आपकी सातवीं और आखिरी मिस्टेक हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि है कभी कभी लेट सोना और मतलब कम स्लीप लेना। आपकी इम्प्रॉपर स्लीप आपका वेट गेन कर सकती है जस्ट बिकॉज आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, जस्ट बिकॉज आप किसी काम के थ्रू काम की वजह से आप लेट आए हो, लेट सो रहे हो, आपको कम टाइम मिला है सोने के लिए, या फिर आपके आसपास का ऐसा इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से आप नहीं सो पा रहे, आप अच्छे से प्रॉपर नींद प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे, वो कुछ भी रीजन हो सकता है आपके आसपास का इन्वायरमेंट, लाइक आपके आसपास की रोशनी इतनी ज्यादा है कि आपके आंखों में चुभ रही है, आपको लेट स्लीप आ रही है, आपको अच्छी स्लीप नहीं मिल रही, आपके आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा ह्यूमिडिटी ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे कुछ कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती या फिर
आती भी है तो लेट आती है, और अगर आती भी है तो अच्छी नहीं आती, बैड क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है। इसकी वजह से भी आपका सुबह जब आप वेटिंग स्केल पे खड़े होते हो तो आपको जादू मिलता है, आपका वेट अप मिलता है। सो यही कुछ मेन रीजंस थे जिनकी वजह से आप ओवर द नाइट वेट गेन करते हो। और अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, अगर आपको नहीं पता थी, आपके लिए न्यू है, अगर आपने कुछ सीखा है, जाना है, तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को। लाइक वाला यहाँ पे होगा, सब्सक्राइब वाला यहाँ पे होगा। जस्ट गो अहेड, सपोर्ट मी, थैंक्स अ लॉट। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टाटा सी यू, टेक केयर, पीस। मिलते रहेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ और एक्साइटिंग बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पीस।